सब्सक्राइब करें सुहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहाइपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले झारखंड स्टेट के टॉप 10 रेलवे स्टेशन की लिस्ट, उनकी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो के अंदर चल गए, आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, झारखंड जो एक ईस्टर्न इंडिया साइड का स्टेट है, जो अपने एलिगेंट जैन टेम्पल्स ऑफ पारसनाथ हिल, वाटरफॉल्स एंड एलिफेंट एंड टाइगर्स ऑफ बेतला नेशनल पार्क के लिए नोन है। स्टेट ना फॉरेस्ट एरिया का एक बहुत बड़ा लैंड है ऑल ओवर इंडिया में। नॉर्थ साइड बिहार, नॉर्थ वेस्ट साइड उत्तर प्रदेश, वेस्ट साइड छत्तीसगढ़, साउथ साइड उड़ीसा एंड ईस्ट साइड वेस्ट बंगाल है स्टेट के। दोस्तों, झारखंड ना 15वां लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का बाय एरिया एंड 14वां लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन। स्टेट में भी हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है और झारखंड स्टेट की राजधानी रांची है, वो सब आपको तो पता ही है। खैर दोस्तों, ये तो हो गई झारखंड स्टेट की कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं झारखंड स्टेट के टॉप 10 रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, झारखंड स्टेट में ना टोटल 309 रेलवे स्टेशन है, छोटे बड़े दोनों मिला के। इस वीडियो में हम इस स्टेट के सबसे बड़े फेमस रेलवे स्टेशन जानने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉप 10 रेलवे स्टेशन की लिस्ट ना कुछ इन पॉइंट्स पर बनाई गई है, जैसे स्टेशन में ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स, ज़्यादा ट्रेन्स, हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा, ऑरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग ट्रेन्स, ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक एंड मेनी मोर गुड पॉइंट्स। तो चलिए दोस्तों, टॉप 10 की लिस्ट जानते हैं बॉटम से लेकर टॉप तक। नंबर 10, बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, जैसा कि स्टेशन के नाम से ही पता चल जाता है कि बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन स्टील के लिए फेमस है, तो जी हाँ, ये सही है। दोस्तों, बोकारो स्टील सिटी ना एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है इंडिया का एंड फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है झारखंड स्टेट की। ये सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है बोकारो डिस्ट्रिक्ट का। दोस्तों, बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन को ना 1961 में शुरू किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस घूमो हटिया मेन लाइन और आगरा बोकारो स्टील सिटी ब्रांच लाइन इस रेलवे स्टेशन पर से जाती है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन इस स्टेशन को ऑपरेट करता है, आगरा रेलवे स्टेशन का रेलवे डिवीजन है। बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन को 5 में से 4.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस स्टेशन पर से 66 ट्रेन्स का हॉल्ट है। 4 ट्रेन इस स्टेशन से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है और प्लेटफॉर्म की संख्या 3 है बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर। नंबर 9, चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन ना झारखंड स्टेट में वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये सिटी मिनरल रिच एरियाज़ को सर्व्स करती है झारखंड एंड उड़ीसा दोनों स्टेट को, एज वेल एज सीमेंट, स्टील एंड टाइमस्टोन इंडस्ट्रियल भी इस चक्रधरपुर सिटी में है, लाइमस्टोन सॉरी। 1890 में इस स्टेशन को शुरू किया गया था। टाटा नगर बिलासपुर सेक्शन लाइन एंड हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन इस स्टेशन पर से जाती है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन इस स्टेशन को ऑपरेट करता है, तो वही चक्रधरपुर खुद अपना रेलवे डिवीजन है। 5 में से 4.7 की रेटिंग मिली हुई है स्टेशन को। 270 ट्रेन्स स्टेशन पर हॉल्ट है 70 ट्रेन्स का, वही 4 ट्रेन स्टेशन पर से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। 3 प्लेटफॉर्म स्टेशन पर है। नंबर 8, हटिया रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हटिया रेलवे स्टेशन ना झारखंड स्टेट में रांची डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो हटिया मेन लाइन एंड राउरकेला हटिया ब्रांच लाइन इस स्टेशन पर से जाती है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन स्टेशन को ऑपरेट करता है, तो वही रांची रेलवे स्टेशन का रेलवे डिवीजन है। दोस्तों, हटिया रेलवे स्टेशन को ना 5 में से 3.9 की रेटिंग मिली है। इस रेलवे स्टेशन पर 8 ट्रेन्स का हॉल्ट है और ये यहाँ 21 ट्रेन्स ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेटेड इस रेलवे स्टेशन से। इस स्टेशन पर दोस्तों टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है। नंबर 7, मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों, मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन झारखंड स्टेट में दियोगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। मधुपुर ना मिठाइयाँ प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। हावड़ा दिल्ली मेन लाइन और मधुपुर गिरिडीह कोडेरमा लाइन इस स्टेशन पर से जाती है। ईस्टर्न रेलवे जोन मधुपुर रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है, तो वही आसनसोल रेलवे स्टेशन का रेलवे डिवीजन है। दोस्तों, मधुपुर रेलवे स्टेशन को ना 5 में से 2.5 की लो रेटिंग मिली है, क्योंकि स्टेशन पर बहुत सारी चीज़ें जैसे क्लीनलेस, एस्केलेटर, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिंग एंड सप्लाई एवरेज है। दोस्तों, इस स्टेशन पर 130 ट्रेन्स का हॉल्ट है और 9 ट्रेन्स इस रेलवे स्टेशन पर से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। मधुपुर रेलवे स्टेशन पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 6, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन ना झारखंड स्टेट में धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये रेलवे स्टेशन ना
मीटिंग पॉइंट है हावड़ा रांची पुरी एंड भुवनेश्वर साइड की ट्रेन के आने के लिए। 1906 से ये स्टेशन शुरू हुआ था। आसनसोल गया सेक्शन ऑफ ग्रैंड कोर्ट लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन, गोमो बाराखाना ब्रांच लाइन, बारा काकाना ब्रांच लाइन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो हटिया मेन लाइन एंड आद्रा गोमो लाइन इस रेलवे स्टेशन पर से जाती है। इस सेंट्रल रेलवे जोन स्टेशन को ऑपरेट करता है तो वही धनबाद रेलवे स्टेशन का रेलवे डिवीजन है। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन को 5 में से 3.4 की रेटिंग मिली हुई है। 79 ट्रेन्स का इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट है तो वही 7 ट्रेन्स इस रेलवे स्टेशन पर ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 5 कोडेरमा जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों झुमरी तलाई इसका नाम आपने जीवन में कभी ना कभी सुना ही होगा। हाँ जी, फिल्म में इस जगह का नाम काफ़ी लिया जाता है फनी वे में। जी हाँ, झुमरी तलाई टाउन कोडेरमा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। आसनसोल गया सेक्शन ऑफ ग्रैंड कोर्ट लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन, कोडेरमा हजारीबाग बारा काकाना रांची लाइन, कोडेरमा गिरिडीह मधुपुर लाइन और कोडेरमा तलैया लाइन इस रेलवे स्टेशन पर से जाती है। इस सेंट्रल रेलवे जोन इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है तो वही धनबाद रेलवे स्टेशन का रेलवे डिवीजन है। दोस्तों कोडेरमा रेलवे स्टेशन को 5 में से 3.1 की एवरेज रेटिंग मिली है। 86 ट्रेन का इस स्टेशन पर हॉल्ट है तो वही 4 ट्रेन इस स्टेशन पर से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। कोडेरमा रेलवे स्टेशन पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 4 जेसीडे जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों एक और रेलवे स्टेशन डियोगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो एक टाउन रेलवे स्टेशन है डियोगढ़ से अदर सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए। ये एक सेटेलाइट टाउन है दियोगढ़ सिटी का। 1871 से स्टेशन शुरू हुआ था। हावड़ा दिल्ली मेन लाइन और जेसीडिया दुमका राम पुरोहित लाइन जाती है, राम पुरहट लाइन जाती है। तो वही डियोगढ़ दुमका रेलवे स्टेशन, झाझा रेलवे स्टेशन और मधुपुर जंक्शन काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है। इस रेलवे स्टेशन में ईस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है तो वही आसनसोल रेलवे इस रेलवे स्टेशन का डिवीजन है। दोस्तों जसीडिया रेलवे स्टेशन को 5 में से 3.3 की रेटिंग मिली है। 136 ट्रेन इस स्टेशन पर हॉल्ट है, 136 ट्रेन का तो वही 22 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। जसीडिया रेलवे स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 3 टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट का एक वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। 1910 में ये रेलवे स्टेशन शुरू हुआ था। टाटानगर बिलासपुर सिंक्शन लाइन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, आसनसोल टाटानगर खड़गपुर लाइन और टाटानगर गुरुमाई सानी बदमपुर लाइन इस रेलवे स्टेशन पर से जाती है। दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन स्टेशन को ऑपरेट करता है तो वही चक्रधरपुर रेलवे इस स्टेशन का रेलवे डिवीजन है। टाटानगर रेलवे स्टेशन को ना 5 में से 3.8 की रेटिंग मिली हुई है। 92 ट्रेन यानी 92 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर 92 ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट है तो वही 33 ट्रेन इस स्टेशन पर से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और डेली पैसेंजर का ट्रैफिक 50,000 के आसपास होता है। नंबर 2 रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों झारखंड राज्य की राजधानी और हमारे इंडियन टीम के फॉर्मर बेस्ट कैप्टन और अभी के बेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी की सिटी है। जी हाँ, MSDC सिटी से बिलोंग करते हैं। रांची सिटी ना झारखंड स्टेट के एकदम सेंटर में। रांची स्मार्ट सिटीज़ के कैटेगरीज में आती है। 1908 से ये स्टेशन शुरू हुआ था रांची रेलवे स्टेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो हटिया मेन लाइन एंड रांची लाहौर डागा ताने लाइन जाती है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन इस स्टेशन को ऑपरेट करता है तो वही रांची खुद अपना रेलवे डिवीजन है। दोस्तों रांची रेलवे स्टेशन को ना 5 में से 3.8 की रेटिंग मिली हुई है। 40 ट्रेन का स्टेशन पर हॉल्ट है तो वही 32 ट्रेन इस स्टेशन पर से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। रांची रेलवे स्टेशन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है तो वही स्टेशन पर डेली पैसेंजर का ट्रैफिक 1,00,000 से भी ज़्यादा का होता है। अब जानते हैं नंबर 1। तो दोस्तों नंबर 1 पर है धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों झारखंड स्टेट की सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी धनबाद है। इंडिया की 33वीं लार्जेस्ट सिटी की रैंक में धनबाद सिटी आती है। धनबाद ना एक कोल कैपिटल के लिए जानी जाती है इंडिया में। इस सिटी को बहुत बड़े कोल्स माइंस हैं इस सिटी में।
1880 में इस रेलवे स्टेशन को शुरू किया गया था। आसनसोल गया स्टेशन ऑफ ग्रैंड कोर्ट लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन, धनबाद सिंगरौली लाइन और धनबाद भोजूड आगरा लाइन जाती है। इस सेंट्रल रेलवे जोन इस धनबाद रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है, तो वह धनबाद रेलवे खुद अपना रेलवे डिवीजन है। धनबाद रेलवे स्टेशन को 5 में से 4.4 की वेरी गुड रेटिंग मिली हुई है। 114 ट्रेन का धनबाद रेलवे स्टेशन पर स्टॉप है, तो वही 16 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। दोस्तों धनबाद रेलवे स्टेशन पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, तो वही स्टेशन पर डेली पैसेंजर ट्रैफिक 100,000 से भी ज़्यादा का होता है। तो दोस्तों ये रही झारखंड स्टेट की टॉप 10 रेलवे स्टेशन की लिस्ट। अगर आपको और किसी स्टेट की टॉप 10 रेलवे स्टेशन की वीडियो चाहिए हो तो स्टेट का नाम कमेंट करें। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए।